हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। एंड वैसे तो आप लोग के कमेंट पे पता चल रहा है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत लाइक कर रहे हो, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक करने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो मेरा ब्लॉग कोई काम का नहीं है, और जो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वो आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो ये मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर तरह के ब्लॉग लाऊं, कभी गैप ना करूं। अब तक जब से मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग, मैंने अभी तक एक भी दिन गैप नहीं किया, और आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं एक भी दिन गैप नहीं करूं, आप लोग के लिए डेली कुछ ना कुछ अलग अलग कंटेंट पे अलग अलग ब्लॉग्स लेके आऊँ। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप लोग को और भी अलग अलग कंटेंट पर अलग अलग ब्लॉग मिलते रहेंगे। और वैसे अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 AM, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ना तो आज मुझे कोचिंग पढ़ाना है और ना ही कॉलेज जाना है, तो आज मैं पूरा टाइम अपने घर पे, रूम पे स्पेंड करने वाली हूँ। कहीं मार्केट जाने का कोई सीन नहीं है, और आज आराम से नाश्ता, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। यूजुअली डेली कॉलेज रहता है, और बाय चांस कभी कॉलेज जाने में लेट हो जाता है तो मेरा नाश्ता कितनी बार मिस हो जाता है, पर आज मैं अपना नाश्ता मिस नहीं करूँगी। कुछ अच्छा हेल्दी कुछ ले आती हूँ खाने को। एंड आप अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी चीज़ें, अभी सुबह में सारी चीज़ें ओपन नहीं रहती है, फिर भी खाने पीने की हर चीज़ें मिल जाती है। वहाँ पे समोसे छने हुए हैं, और वहाँ पे शॉप है ना, किराना का दुकान, तो वहाँ से कुछ खाने को ले आते हैं और कुछ फ्रूट्स खरीद लेती हूँ मैं। तो फटाफट नीचे चलते हैं। कॉर्न फ्लोर चाहिए, वीट वाला, ये वाला। तो ये है शॉप, और यहीं से मैं लगभग सारा सामान लेके जाती हूँ खाने पीने का, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ फल लेने। तो अभी आप देख सकते हो कि फ़िलहाल मैं मार्केट से लेके आ गई हूँ कॉर्नफ्लेक्स, अंगूर और एप्पल। तो अभी मैं नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स दूध, उसमें हल्का शुगर डाल के मैं उसका नाश्ता करने वाली हूँ, क्योंकि शुगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मीठा। और नाश्ते में यूजली मैं ज़्यादातर वही करती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी सही होता है। तो फिलहाल गर्म हो रहा है। पहली बात तो बता दूं कि मैं, ये बहुत हेल्दी है, और दूसरी बात कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो ब्रेकफास्ट में यही करती हूँ। तो आज मैं एक नया उटकट स्टार्ट करने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक प्लाई है, उड है। और जब मैं ब्लॉग कर रही थी, प्रीवियस ब्लॉग अगर आप मेरा देखेंगे, तो मैंने कहाँ से ये परचेज किया था मैंने वो भी दिखाया था आपको। तो ये कुछ इस तरीके का उड है, और आप इसके पीछे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट ड्राइंग कर रखा है। अभी मैंने पेंसिल से यहाँ पे किया है, पूरे में पेंसिल से किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी जेल पेन से डिटेलिंग कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसे कट करूँगी तो सही से समझ में आए, क्योंकि पेंसिल से बनाने पे पूरा डिटेलिंग नहीं समझ में आता, और वो अच्छे से नहीं दिखता। कट करने पर समझ नहीं आता कि कहाँ पर सच में कट करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। और अगर आप पेन से पूरी डिटेलिंग कर लेते अच्छे से हर पार्ट को, तो इसमें समझ में आने लगता है, क्योंकि जो वाइट पोर्शन मैंने छोड़ा, मैं सिर्फ वहीं पे कट करूँगी, और जहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाया है वहाँ पे मैं कट नहीं करने वाली। तो इसलिए तो अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा ऊपर में डिटेलिंग दिया है, और अभी नीचे में डिटेलिंग करना बाकी है। तो फिलहाल मैं अभी पूरी तरह नीचे में डिटेलिंग करूँगी, और अभी तक मैंने इतना कम्प्लीट किया है। तो जब पूरा कम्प्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊँगी कि कट कैसे करते हैं, काफ कैसे करते हैं, कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, और किस तरीके से यूज़ करते हैं। और फिलहाल मेघा जी आ गई हैं। अरे धो के खाना, अभी धोया नहीं है मैंने। जाइए अब खा लीजिए, फिलहाल मैंने तो ब्रश भी नहीं किया। ब्रश भी नहीं किया? तो क्यों, तुम खा के नहीं आई वहाँ हॉस्टल से? वो देखिए, ये देखा है आपने कभी कि बिना ब्रश किए लंच, नहीं बिना ब्रश किए नाश्ता कर लिया हो, और तो लंच भी कर लो बिना ब्रश किए? नहीं अब जी नहीं बहन, दांत में अटक चुके हैं सारे, सब निकालना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, फिर कर लेना ना, अजब कर ही लिए तो। चिकन खाए थे ना उसका। मैडम चिकन खा के आइए, हे भगवान, चिकन प्रेमी। तुम्हारी बॉडी कभी बनेगी भी नहीं। अब कैमरा शर्मा जाएगा। कैमरा नहीं शर्माएगा भाई, आपको पता है ये खाती है। हाँ तो मैंने दिखाया है अभी ब्रेकफास्ट में, मैंने यही दिखाया है। और क्या खाती है? चोकोस खाती है। चोकोस नहीं खाती मैं, चोकोस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ है, मैं रूम पार्टनर हूँ, रेंजी प्रूफ है मेरे पास। कब देखी हो मैं खाती हूँ मेरे को चोकोस?
इतना पीटेंगे ना तुमको, चोकोस तुम खाती हो हम खाते हैं, हमने ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है, ये फैट फ्री होता है इसलिए अच्छा होता है। हाँ, इसीलिए मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है ना, तो मेरे लिए तो है ना। आई एम टोटली फैट फ्री। और तुम कितना भी बर्गर पिज्जा खा लो, पर हमको नहीं लगता कि तुम्हारा हेल्थ गेन होने भी वाला है। होने वाला है। अब आपको जाना चाहिए खाना खाने। तो ऐसे भगाया जा रहा। चलो ना तुम भी खा के आना साथ में, चलो ना, चलो साथ में खा के आएंगे, चलो साथ में। ब्रश कर लेते हैं सिर्फ। अच्छा ठीक है, ब्रश करो, फटा से करो, जल्दी करो। बंद कीजिए। तो कभी देखा है आपने बिना ब्रश किए मैडम नाश्ता कर लिया और लंच नहीं किया जा रहा बिना ब्रश किए? अब उसके लिए ब्रश करना है क्यों? रात के चिकन दांत में अटके हैं, थोड़ा निकाल ले तब तो कुछ नया अटकेगा। क्या बना है खाने में? आलू बैंगन टमाटर सब्जी और आलू चावल रोटी। अच्छा, ये लोग मैम को भी नहीं पूछती कि खाना खा लो और तुरंत खाना खाने बैठ भी गई है दोनों। नहीं, अब बोलने पे पूछा जाता है क्या? मेघा भी आ रही है 10 मिनट में। आई, हाँ बोलिए, खाना रखने के लिए। आप मैम की तरह बिहेव करती है मेरे से, लगता है जैसे मेरी बड़ी बहन हो। अब क्या करे, हुआ तुम्हारा कम्प्लीट? कौन सा उठकट वाला हुआ कम्प्लीट? कम्प्लीट हो जाएगा पक्का, देखते हैं आज, आज का मौका। 3 दिन से 4 दिन से यही सुन रही हूँ मैं, आज कंप्लीट हो जाएगा ना, आज देखते हैं। तो खाना रेडी है। बोलो साक्षी, क्यों करूँ मैं बड़ों के रिस्पेक्ट? ऐसे ऐसे बड़ों की लास्ट करनी चाहिए। आज के बाद कौन होगा? बड़े हैं, तुमसे पहले पैदा हुए हैं। तो आज का खाना है दाल चावल रोटी और आलू बैगन की सब्जी, पालक साग की सब्जी। एक साथ दो चीज फोकस हो रहा है, तुम और एक हम। कैमरा टूट टूट के चूर हो जाएगा, ठीक है चूर हो जाएगा, पर हिम्मत है। ढाई किलो का बॉडी। फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं थोड़ा बोर हो रही हूँ तो थोड़ा सा बाहर चलती हूँ, देखती हूँ बाहर का नज़ारा क्या है। तो आज माहौल थोड़ा शांत शांत है, इतनी हलचल नहीं है जितनी रोज़ रहती है। एंड उस आंटी आ गई, खाना बन गया? क्या बना है खाने में? सब्जी रोटी। ओके, फिजा क्या कर रही है? अच्छा, वही मैं देखने आई थी कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है लोगों की। मेरी हो रही है पढ़ाई। सुबह सुबह की डांट का असर पड़ रहा है। ये क्या टेक्सटाइल का कर रही हो? ये है अप्लाइड का और ये है अप्लाइड का। इतना मोटा मोटा क्यों कर रही हो? और फिनिश ये जेब्रा का टेक्सचर बनाना था इसलिए, तो वैसा ही बनेगा ना। हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है काम में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई चल रही है दोनों की, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो फिलहाल रात का डिनर चल रहा है सभी लोगों का, और सबसे बड़ी प्रतिभा दी, और क्या बोल रही थी तुम मेघा? क्या हुआ था? अभी जब तक आंटी नहीं था तब तुम लोग हमको आंटी बोल सकते हो। हम थोड़ा फील में रहेंगे। बिल्कुल। आंटी रख दीजिए, मैं ले लूंगी। पति पति एवरग्रीन इस हॉस्टल की सबसे सीनियर। भाई बहुत लोग मेरा ना, जैसे लोगों के बीच में मेरा डर खत्म हो गया। हमको तो बहुत दिन से फील आ रहा है कि आप ऐसे बदल कैसे गए। हम तो मेघा को बोल रहे, प्रतिभा दी को देखो एकदम से कितने पुराने हो गए यार। अब नहीं, हाँ हम इसको 2-3 बार बोले भी हैं कि यार प्रतिभा दी एकदम से ये कैसे, मतलब चलो कोई नहीं, प्रतिभा दी दे रहा है दुरुस्त है, ऐसे ही रहा कि समय के साथ बदलाव। बिल्कुल लेने
सब्जी दीजिए, लोग बहुत बतिया रही है आज। तो यहाँ पे डिनर पे सिर्फ खाना ही नहीं होता है, मस्ती भी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा। और सब लोग साथ बैठ के एकदम बहन की तरह, ऐसा नहीं लगता कि सब अलग अलग है हॉस्टल के। हाँ, और इधर इधर पिज़्ज़ा का भी लीजिए ना, पिज़्ज़ा का भी, पिज़्ज़ा बोल रही है सुखलाई उसका भी ले लेते हैं भाई। तो यहाँ एक चीज़ है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सब अलग अलग है, सब एक जैसे एक साथ लगता है और सब एक साथ डिनर करते हैं। वैसे फिलहाल अभी मुझे भूख नहीं लगा है, तो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। क्या बोलिए? एक जैसा बोल के सब पे डाउट वो कर रही हो, सब एक जैसा है यार। मतलब उसकी बात नहीं कर रहे, भाईचारा की बात नहीं कर रहे, एक साथ खा तो रहे ना, हंस बोल रहे ना। अगर हॉस्टल में देखिए शकल तक नहीं दिखाते हैं एक दूसरे का, बस बुराई में ही लगे रहते हैं सब अपने अपने कमरे में बस गुल। यहाँ तो वो चीज़ तो अच्छा नहीं कि एटलीस्ट लंच में और डिनर पे सब साथ बैठ के खाते हैं, बातें करते हैं। ये इस तरह कहाँ जल्दी कोई हॉस्टल में है, हॉस्टल वैसा नहीं होता। हाँ, ये हॉस्टल है नहीं, ये एकदम घर जैसा, इसलिए ऐसा होता है। एक लड़का भी रहता है हॉस्टल। हाँ, एक लड़का भी रहता है। कहाँ जा रहे हैं? तो ये एक लड़का भी लगता रहता है इस हॉस्टल में, ऐसे मैं बता दूं ये है लड़की। बट बिल्कुल लड़के जैसा लगता है, गेटअप एकदम लड़के जैसा है। फर्स्ट टाइम हम भी देखे कि ये लड़के भी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज तक कोई लड़का आया नहीं है, ऊपर नहीं आता है हॉस्टल में, ऐसे कैसे? तो लड़की होगी। हाँ, हमको पता है तुम्हारा बीएफ है, घूमता हम लोग के साथ है। और सोचो कैसे, बताओ कैसे कर रही है, बताता। हे एवरीवन, फाइनली अभी बज रहे हैं रात के 2, या फिर आप कह सकते हैं मॉर्निंग के 2 बज चुके हैं। और फाइनली जो मेरा ड्राइंग है उड पे, वो कंप्लीट हो चुका है एंड आप देख सकते हो। एंड आप कमेंट में बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। तो फाइनली मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है, अब इस पे करूँगी मैं कटिंग। वैसे मैं बता दूँ कि ड्राइंग बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैं दूसरे ड्राइंग के लिए लेआउट बना रही थी, इसलिए इसे कंप्लीट होने में लेट लग गया। और आज तो मुझे किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे से मैं इस पे कटिंग स्टार्ट करूँगी। और जब मैं कटिंग करूँगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, किस तरीके से उड पे कटिंग करते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं। एंड अब इस आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और अब इस ब्लॉग को एडिट करना भी बाकी है। और सच बताओ तो एडिट करने में थोड़ा समय नहीं जाता, बहुत ज़्यादा समय जाता है। बस ऐसा लगता है कि क्या ही है, तुरंत एडिट कर लेंगे, क्या ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लिटरली बता दूं मैं, आप दिन भर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, लाइक 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, और उस चीज़ों को आप 15 से 20 मिनट में दिखाना, ऐसा क्या चीज़ कट करें और ऐसा क्या चीज़ दिखाएं कि आपको पसंद आए, तो इसको एडिट करने में काफ़ी टाइम जाता है। एंड सिर्फ एडिटिंग ही नहीं होती है, थंबनेल लगाओ, टाइटल लगाओ, है ना, ये सारी चीज़ें, थंबनेल बनाने में समय जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखो, तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी समय जाता है। मतलब 2.5 घंटे तो आराम से लग ही जाता है। अभी मेरा स्टार्टिंग है ब्लॉगिंग का एडिट करना, तो मुझे टाइम लग जाता है, 2.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। यानी मुझे सोते सोते मॉर्निंग के 4:30 बज जाएंगे और मैं एडिट करके ही सोऊंगी, क्योंकि सुबह 8 बजे इस ब्लॉग को अपलोड होना है। तो हाँ, आज मैं लेट सोने वाली हूँ, और ये मेरा पहली बार नहीं है, मैं यूजुअली रात में जगती ही जगती हूँ। मैं थोड़ी लेट ज़रूर उठती हूँ, लेकिन रात में मेरा जग के काम होता है, ये मेरा हमेशा से आदत है। क्योंकि मुझे अभी जो रात का काम होता है ना, ये मुझे पीस लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें शांत रहती है, और रात में काम करने में, रात भर काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आप कह सकते हो। एंड तो मैं सुबह थोड़ा लेट उठूँगी, थोड़ा लेट कॉलेज जाऊँगी, वैसे भी देखते हैं कल का क्या शेड्यूल है कॉलेज का, तो जो भी होगा मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और ये भी कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि मैं अकेले नहीं जग रही हूँ, मेरी रूममेट भी जग रही है, मुझे कंपनी दे रही है, वो भी लेट नाइट पढ़ लेती है, रोज़ रोज़ नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी लेट नाइट पढ़ती है, तो हम दोनों ही लेट नाइट पढ़ते हैं। तो चलिए फिर
आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू टुमॉरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।